जी तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे 17.2 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, जिसके अंदर वो कह रहा है ट्राइंगल्स पी क्यू आर ये ड्रॉ करनी है आपने और चेक क्या करना है देयर अल्टीट्यूड्स एंड शो दैट दे आर कंकरेंट। अच्छा, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि अल्टीट्यूड कैसे लिया जाता है। सपोज आपके पास एक ट्राइंगल है, हम पहले देखते हैं कि अल्टीट्यूड कैसे लिया जाता है, फिर उसके बाद हम सीखेंगे ये क्वेश्चंस भी। सपोज आपके पास ये भैया एक ट्राइंगल है ए बी सी, जो आपने कंस्ट्रक्ट कर ली कैसे भी करके, भले वो दो एंगल्स और एक साइड दी हुई थी या तीनों साइड्स दी हुई थी या फिर दो साइड्स और एक एंगल दिया हुआ था, वो जो भी था आपने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर ली। अब आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पे रख के कॉम्पास को ओपन कीजिए और एक आर्क ड्रा कीजिए। यहां तक आर्क ड्रा करनी चाहिए कि वो अपनी ऑपोजिट लेंथ को कहीं दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे जरूर। अगर नहीं कर रही तो फिर दोबारा से उस आर्क को एडजस्ट कीजिए, अपनी कॉम्पास को दोबारा से एडजस्ट कीजिए और देखिए कि उसे दोनों पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करना ही चाहिए। सपोज मैंने जब ओपन किया तो इसने ऐसे यहाँ पे मैंने जब सेंटर माना उसको, कॉम्पास को सेंटर मानते हुए यहाँ से रेडियस उसको ओपन कर लिया और मैंने जब आर्क ड्रा करी तो वो कुछ इस तरह से आई। अब ये आपको सामने नजर आ रहा है कि किसी दो पॉइंट्स के ऊपर इसने इंटरसेक्ट कर लिया, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को रखिए, एक इस पॉइंट को मानते हुए एक आर्क ड्रा कर लीजिए, फिर इसी तरह एक इस पॉइंट को मानते हुए एक आर्क ड्रा कर लीजिए। तो ये अब ये जो आर्क्स ने, इन आर्क्स यहां से जो आपने दो पॉइंट्स को रख के आर्क्स नहीं ड्रा करी, उन आर्क्स को आप क्या कीजिएगा कि ज्वाइन कर दीजिएगा पॉइंट बी के साथ। अब यहां पर जो पॉइंट बी यानी इस एंगल के साथ जो ज्वाइन किया तो ये बन जाएगा अल्टीट्यूड ऑफ एंगल, क्योंकि ये यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। ये है कंस्ट्रक्ट करने का, अल्टीट्यूड कंस्ट्रक्ट करने का मेथड। और अगर आपको इस पॉइंट के अंदर और अगर आपको अल्टीट्यूड कंस्ट्रक्ट करना आ गया है तो फिर ये पूरी एक्सरसाइज के जो मैं देख रहा हूं तीनों क्वेश्चन ही, इस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन के जो तीनों पार्ट्स हैं वो फिर बहुत आसान हो जाएंगे, क्योंकि ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट करना हम पीछे सीख चुके हैं एक्सरसाइज 17.1 के अंदर। अगर किसी को उसके अंदर प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमारी वो वीडियो जरूर देख लीजिए जिसके अंदर आपको ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए। अब ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमने जस्ट अल्टीट्यूड बताना। अच्छा, होता क्या है समटाइम, जैसे सपोज आप इस पॉइंट पे रखो कॉम्पास और इस लेंथ के ऊपर अगर आप ड्रा करते हो तो वो कहीं यहां से तो कट कर रही होती है लेकिन इस लेंथ को दो जगह पे नहीं कर रही होती, एक जगह पे कर रही होती है। तो आप क्या कीजिए, जहां से वो कट कर रही है ना वहां से उसे कट करिए और आगे तक ले जाइए। आप ले गए, फिर ये सामने वाली लेंथ को आप और आगे तक बढ़ा दीजिए, जैसे ये वाली, ठीक है, इस लेंथ को बढ़ा दिया। अब आपको दो पॉइंट मिल गए, एक ये वाला और एक ये वाला पॉइंट। क्लियर हुई ये बात, वापस बता देता हूं। सपोज आपके पास ये वाली ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के इस पॉइंट के ऊपर रख के आप जो सामने वाली लेंथ के ऊपर एक आर्क ड्रा कर रहे हो, वो आर्क ड्रा किया किया आपने तो उसने सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, आगे जाके कहीं बहुत आगे जाके इंटरसेक्ट कर रही है। तो जहां पे कर रही है कट, एक पॉइंट तो आपको मिल गया, दूसरा पॉइंट जो ये वाला मिल गया, दूसरा इस पे नहीं मिल रहा, तो बेहतर है और जरूरी भी है आप इसी लेंथ को, ऑपोजिट लेंथ को रूलर से आगे तक स्ट्रेच कर लीजिए। अब इसने यहां पे तो इंटरसेक्ट किया, अच्छा अब इस पॉइंट के ऊपर रख के एक आर्क ड्रा कीजिए, फिर इस पॉइंट के ऊपर रख के एक आर्क ड्रा कीजिए, तो इस पॉइंट जो नया पॉइंट बना उसको आप इस एंगल के साथ बना दीजिए, तो ये इसका अल्टीट्यूड हो जाएगा। तो दिस इज द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अल्टीट्यूड्स आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ अल्टीट्यूड्स। नाउ वी आर इन पोजिशन टू ड्रॉ द गिवन रीडिंग्स और गिवन इंफॉर्मेशन एंड द रिक्वायर्ड ट्राइंगल्स, और फिर उसके बाद हम चेक भी करते हैं द कंकरेंसी ऑफ देयर अल्टीट्यूड। चले हम इसके लिए क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं आपका, इसके लिए भी सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि उसके अंदर एक एंगल भी है। तो सेकेंड क्वेश्चन इसका कंसीडर करते हैं जिसके अंदर आपको मेजरमेंट पी क्यू दी हुई है 4.5 पी
equals to 4.5 centimeters और फिर एक और measurement आपको दी हुई है QR equals to 3.9 centimeter and एक आपको angle भी दिया हुआ है और angle दिया हुआ है R equals to 45 degree. तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, वो वाली लेंथ कंसीडर कीजिए जिसके अंदर R भी मौजूद हो. चले मैं लेंथ कंसीडर कर रहा हूँ QR जो है 3.9, तो यहाँ से आपके पास ये मैं ले लेता हूँ Q और ये ले लेता हूँ R. और सपोज ये 3.9 सेंटीमीटर है, सपोज आप, मैं कर रहा हूँ, आप लोग तो ऑब्वियसली वो जो आपके पास रूलर होगा, स्केल होगा, उससे रीडिंग्स मेजर करके ही लोगे. उसके बाद सेक फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने ये लिख लिया, टेक अ लाइन सेगमेंट क्यू आर ऑफ 3.9 सेंटीमीटर, ये फर्स्ट स्टेप हो गया. R के ऊपर आई का आपने एंगल कंस्ट्रक्ट करना है 45, तो लिख लीजिए कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री ऑन पॉइंट R. और वो कैसे कंस्ट्रक्ट करना है ये भी हम सीख चुके हैं. कॉम्पस को थोड़ा सा ओपन कीजिए, इस पॉइंट को सेंटर मानिए, एक सेमी सर्कल ड्रा कीजिए, फिर एक 60 का एंगल बना लीजिए उसी कॉम्पस को जितना खुला हुआ है उसके साथ ही. फिर आप 30 का एंगल बनाएंगे, वो कहीं यहाँ पे आएगा और फिर इन दोनों को कट करेंगे तो वो यहाँ पे कहीं पे 45, तो ये 45 का आपके पास एक एंगल बन गया. सपोज दिस इज द एंगल ऑफ 45. एंगल कैसे बनाते हैं वो हम पीछे सीख चुके हैं, वीडियो जरूर देख लीजिए अगर एंगल कंस्ट्रक्ट करने के अंदर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है. सॉरी मेरा गला खराब है यार, उसके लिए बार बार सॉरी कर भी रहा हूँ. अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है कि क्यू आर लेंथ उन्होंने हमने ले चुके हैं, पी क्यू लेंथ वो कह रहे हैं 4.5 सेंटीमीटर लीजिए. तो क्यू को सेंटर मानते हुए कॉम्पस को ओपन कीजिए 4.5 सेंटीमीटर तक, और जो नया रेडियस 4.5 सेंटीमीटर रेडियस तक आप एक आर्क ड्रा कर लीजिए. तो अगर आप ओपन करेंगे तो वो कहीं यहां पर जाके आएगी 4.5 सेंटीमीटर. सपोज 4.5 सेंटीमीटर मेरे पास यहां पे आ रहा है, तो इसको और आगे तक स्ट्रेच किया तो यहां पर 4.5 सेंटीमीटर मेरे पास आ रहा है, और जहां पे इसने इंटरसेक्ट किया उसको पॉइंट सी का नाम दे दीजिए, और यहां पर आप यही लिख लीजिए टेकिंग क्यू एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर विच कट्स आर, चलिए इसको टी दे देता हूं, आर टी एट सी. अब क्या कीजिए, सी को आप क्यू से ज्वाइन कर दीजिए. तो यहां पे ये लिख दीजिए चौथे पॉइंट के ऊपर ज्वाइनिंग, एक्चुअली क्यू पी, ये पॉइंट पी है, इट इज नॉट ए बी सी बल्कि इट इज पॉइंट पी, पी क्यू आर बनाना है. तो ज्वाइनिंग पी टू क्यू, पी को क्यू से ज्वाइन कर दिया विच इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल, एंड आपके पास एक ट्राइंगल बन गई पी क्यू आर, रिक्वायर्ड पी क्यू आर ट्राइंगल बन गया जो बनाना था. लेकिन अब कंफर्म हमें क्या करना है, ड्रॉ देयर अल्टीट्यूड्स एंड शो दैट दे आर कंक्रेंट. आपको क्या करना है, अल्टीट्यूड्स बनाने. अब अल्टीट्यूड्स बनाना हम सीख चुके हैं, पहले तो इसको सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रा कर लीजिए ऑपोजिट लेंथ को जो दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रही हो. सपोज उसने, आपने जो आर्क ड्रा करी वो एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट के ऊपर और एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है. अब पहले इस पॉइंट के ऊपर उसी आर्क, उसी कॉम्पस को एक आर्क लीजिए, तो वो आपके पास यूं आ गई. फिर वही कैंप कॉम्पस इस पॉइंट के ऊपर रखिए और एक आर्क ड्रा कीजिए, आपके पास यूं आ गई. अब इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया कहीं इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए क्यू के साथ, और क्यू के साथ ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ये जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का होगा, और ये आपके पास एक्चुअली जो होगा वो होगा क्यू टी जो होगा ये अल्टीट्यूड होगा आपके पास. और इसी तरह से अभी आप क्या कीजिए, इस पॉइंट के ऊपर भी रखिए
उसी तरह कॉम्पस और ड्रा कीजिए एक आर्क. अब इस पॉइंट के ऊपर अगर आप कॉम्पस रखेंगे तो आपके पास जो आर्क बनेगी, देखिए इस पॉइंट के ऊपर अगर कॉम्पस रखेंगे ऐसे और आर्क आप ड्रा करते हो तो वो कहीं यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगी. लेकिन इस आर्क ने आपका यहाँ पे एक पॉइंट के ऊपर ऑपोजिट लेंथ को इंटरसेक्ट किया, दूसरी जगह पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो उसके लिए आप इसी पॉइंट को आगे तक स्ट्रेच कर लीजिए, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे. अब इस पॉइंट से वही कॉम्पस से आप एक आर्क ड्रा कीजिए, इस पॉइंट से भी उसी कॉम्पस से एक आर्क ड्रा कीजिए, तो ये दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया कहीं इस पॉइंट के ऊपर. अब ये वाला पॉइंट अगर आप इससे ज्वाइन कर देते हो तो आपके पास आल्टीट्यूड आ जाएगा एक और, जो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा. अभी आप क्या कीजिए कि यहाँ से भी दोनों आल्टीट्यूड्स पहले आपने ड्रा कर लिए, आर एस और क्यू टी, तो आप यहां पे ये लिख दीजिए ड्रा एन आल्टीट्यूड क्यू टी ऑफ ड्रा, यहां पे ये लिख दीजिए ड्रा एन आल्टीट्यूड क्यू टी. फिर दूसरे नंबर पे आपने एक और आल्टीट्यूड ड्रा किया आर एस, जिसने इंटरसेक्ट किया पहले आल्टीट्यूड को एट पॉइंट ओ. पॉइंट ओ के ऊपर ये आल्टीट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहां पे लिख लीजिए ड्रा एन अदर आल्टीट्यूड, वो हमने आर एस निकाला, विच कट्स आल्टीट्यूड जो पहला था उसको उसने कट किया, कौन सा पहला था जी, आ क्यू टी था, उसको कट किया एट पॉइंट ओ यहां पे. अब इसके बाद क्या कीजिए, इस पॉइंट से भी आल्टीट्यूड ले लीजिए तीसरा, और वो कहीं होगा आपके पास, इसको अगर सेंटर मानते हुए एक कॉम्पस ड्रा करेंगे और कॉम्पस से एक आर्क अगर आप ड्रा करते हो तो वो कुछ ये बन जाएगी, और यहाँ से लेके आगे यहाँ तक आप इसको स्ट्रेच कर लीजिए इस पॉइंट से, और इस पॉइंट से अगर आप बनाते हो तो वो कहीं यहाँ पे, और इस इधर से अगर करते हो तो वो यहाँ पे कट करेगी इस पॉइंट को. अभी आप इस पॉइंट से ज्वाइन करते हो तो वो आपके पास कुछ ये बन जाएगा. सॉरी गड़बड़ हो गया, तो ये दोनों ने यहाँ पे कट किया था. अब इस पॉइंट को अगर आप ऊपर तक लेके जाते हो, इस पॉइंट से ज्वाइन कर दो, तो आपके पास देखेंगे तो थर्ड आल्टीट्यूड जो पी एम बन रहा है, उसने भी वो भी जो है वो पहले दोनों आल्टीट्यूड जहां पे से क्रॉस कर रहे थे, इंटरसेक्ट कर रहे थे, उसी पॉइंट में से पास कर रहा है, तो जो कंफर्म कर रहा है कि इसके आल्टीट्यूड जो है ये तीनों के तीनों आल्टीट्यूड्स कंकरेंट भी हैं. तो फोर्थ पार्ट, और इसका एक्चुअली सेवन्थ पार्ट जो होगा, सेवन पॉइंट जो होगा वो ये लिखिए, नाउ ड्रा थर्ड आल्टीट्यूड थर्ड आल्टीट्यूड हमारे पास P से M तक है, विच आल्सो पासेस थ्रू पॉइंट O, विच कन्फर्म्स दैट द आल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल PQR are concurrent. अच्छा एक चीज भैया मैंने आपको जरूर बतानी है, अगर आप ज्योमेट्री बॉक्स यूज कर रहे होंगे, मेथड मैंने बता दिया है, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, उसी तरह से ज्योमेट्री बॉक्स यूज कर रहे होंगे तो आपकी रीडिंग्स भी एक्यूरेट होंगी, आपके एंगल्स भी एक्यूरेट बनेंगे, और एंगल्स के बाइसेक्टर्स भी एक्यूरेट बनेंगे, और इसी तरह आल्टीट्यूड्स भी एक्यूरेट बनेंगे. और जब एक्यूरेट आल्टीट्यूड्स बनेंगे तो ये इनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी यहाँ पे भी, जैसे मेरा अभी बना तो वो यहाँ पे बन गया, क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं था, मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को मेथड समझाना है, एग्जैक्टली
सारा कुछ मैं नहीं चाहता कि आपको मैं खुद ही वो एक एक चीज़ भी बता दूं सो दैट आप वो लकीर के फकीर बन जाएं. एक्चुअली ऐसा नहीं मैं चाहता. मैं चाहता हूं कि आप लोगों का माइंड इस तरह से एक्सपैंड करे, एक्सप्लोर करे, आप खुद से चीज़ें सीखने का आपके अंदर वो हो कि यहाँ से आप कॉन्सेप्ट लीजिए और उसके बाद उनको खुद ट्राई कीजिए. मैं एक एक चीज़ आपको बता देता हूँ लेकिन उस एक एक चीज़ को अप्लाई यहाँ पे नहीं कर रहा, वो आपको खुद चाहिए क्योंकि आगे जाके आप में से कुछ लोग इंजीनियर्स बनेंगे और इंशाल्लाह सभी बने, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं. तो आप लोगों के अंदर वो एक एप्टीट्यूड होना चाहिए चीज़ों को एनालाइज करने का, क्रिटिकल माइंड के साथ, मतलब बहुत तनकीद के साथ आप चीज़ों को देखो. तो उसके लिए चाहता हूँ कि आप लोग खुद यूज टू हो जाओ स्केल्स के साथ सॉरी कॉम्पस के साथ, एक एक सेंटीमीटर की रीडिंग के साथ. और ये काम मैंने आपके लिए छोड़ा है. मेथड मैं आपको यहां पे दे देता हूं. हाँ, अब मैं जो बताना चाह रहा हूं भैया वो ये है कि ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी यहां पे भी हो सकता है, कहीं बाहर भी हो सकता है, ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है, इधर भी उधर भी, किसी भी जगह पे हो सकता है. तो अगर आप लोग जब ड्रा कर रहे होते हो ट्रायंगल्स तो वो बिल्कुल स्केल्स के साथ, रीडिंग्स के साथ करोगे, तो हो सकता है यही कंकरेंसी का पॉइंट कहीं बाहर बन रहा हो या हो सकता है कहीं इधर बन रहा हो या ऊपर या नीचे. तो उसके लिए प्लीज मुझे पहले ही माफ कर दीजिएगा क्योंकि मेरे पास स्केल्स नहीं है और मैं चाहता भी हूं कि आप लोग खुद इसको ट्राई कीजिए. और अगर आप लोगों की कहीं और या इस जगह पे नहीं किसी और जगह पे बन रहा हो तो वो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ता हूँ. ये मेथड था, बस इतना सा था, आसान था. अल्लाह हाफिज़.